दानोदर मोतीचूर लड्डू तैयार। दोस्तों मैं दीपा और आप देख रहे हैं मिसेस चुनरानी। झंडे की जरूरत न बेटर की जरूरत, किस लिए? अरे मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए। झंडे नहीं लड़ेगा और बटर पे बनाने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी दानोदर मोतीचूर लड्डू बनकर तैयार होगी। फ्रेंड्स पूरा वीडियो को देखिए, झट से देखिए और फट से बनाकर घर के सभी लोगों को वर्णन कर दीजिए और सबका मन लड्डू लड्डू हो जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के लिए तो लाइक कमेंट शेयर बनता है। तो मोतीचूर लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर छोटा कटोरी में 2 कटोरी चना डाल लिया हूँ और चना डाल को मैंने कल रात ही भिगो कर रख दिया था। ये देखिए नाखून में दबाते ही टूट जाता है, यह अच्छी तरह से भीग चुका है। अभी चना डाल को मिक्सी में डालेंगे और दर तरह पीस लेंगे। इसको अच्छी तरह से पेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। दरदरा चना डाल की पेस्ट तैयार हो चुकी है। अब हाथों में तेल लगाकर छोटा छोटा बिस्कुट के शेप देना है, ठीक इसी तरह लोई बनाकर बस प्रेस करके इस तरह बनाएंगे। एक एक करके हम सब चना डाल को इसी शेप में बनाकर तैयार कर लेंगे। दाल को बिस्कुट के शेप दे दिया है, अभी इसको फ्राई करेंगे। पैन में रिफाइंड ऑयल डालेंगे, ऑयल को अच्छी तरह से गरम करना पड़ेगा। तेल गरम हो चुका है, अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे। अब एक एक करके दाल के बिस्कुट डालेंगे तेल में। दोस्तों इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको ज्यादा फ्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है। अगर लाल लाल हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, मोतीचूर लड्डू का कलर अच्छा नहीं है। लाल होने से पहले इसको निकालना है, कुछ देर बाद पलट देंगे। बिस्किट हल्का फ्राई हो चुकी है, आवाज से पता चल रहा है, देखिए बिस्कुट कुरमुरा हुआ है। अभी हर बिस्कुट को छोटा छोटा टुकड़े कर देंगे, फिर से मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। अभी शुगर सिरप बनाएंगे, तो 1 कटोरी चीनी लिया है। इसी कटोरी में हम डालेंगे 1 कटोरी पानी। सिरप थोड़ा सा चिपचिपा बन गया है, अभी ऐड करेंगे 1 चुटकी फूड कलर। देखिए चाशनी में तार बन गया है, अभी ऐड करेंगे पिसा हुआ दाल। अब अच्छी तरह से मिलाएंगे। फ्लेवर के लिए डालेंगे 1 चम्मच इलाच का पाउडर और 1 चम्मच घी, फिर से मिला देंगे। 5 मिनट के लिए ठंड होने के लिए इसको साइड पर रख देंगे। अभी लड्डू का शेप दे देंगे। ये देखिए दोस्तों परफेक्ट दानोदर मोतीचूर लड्डू तैयार। ऊपर से गार्निशिंग करेंगे काजू से। वाव देखिए दोस्तों दानेदार मोतीचूर लड्डू। मोतीचूर लड्डू बनना तो तैयार हो गया। आप कहाँ जा रहे हैं? जाते जाते मुंह मीठा तो करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइए। चलिए।